मैं हूं चामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा शहर में जो है लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये तमाम चीजों का मुद्दा जो है काफी गर्म है। खासतौर पर लाइब्रेरी की मांग को लेकर MIM पार्टी के सैफ पठान, इनकी पूरी टीम जो है मनपा अधिकारी और भी लोगों से संपर्क किए और फिर आखिर मुमरा में लाइब्रेरी जो है क्यों नहीं दी जा रही, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने जो है जुटाई। लेकिन इसी बीच में जितेंद्र आव्हाड जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि MIM पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है, उन्हें असली जगह नहीं मालूम है कि आखिर लाइब्रेरी के लिए जो जमीन दी गई है वो कहाँ पर है। और एक जगह पर जाकर खुद वहां पर बताया कि लाइब्रेरी की जमीन जो है ये है, इस पे फायरिंग भी शुरू हो गई है। सैफ पठान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सैफ जी, जब यहाँ के विधायक जाकर बता रहे हैं खुद ये लाइब्रेरी की जमीन है, तो आप लोग फिर क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि मैं आपको बताऊं कि आज पिछले 4 महीने से हम लोग लाइब्रेरी के लिए आवाज उठा रहे, हमने यानी सब पेपर सामने लाए, हमने 7 12 वो लाइब्रेरी का सामने लाया है कि 2008 में लाइब्रेरी की जगह को TMC ने अपने हैंड ओवर कर लिया 7 12 पे यानी, और बाउंड्री वॉल्स मार दी गई वहां पर। 2012 में उसका महासभा में ठहराव पास हुआ, ठहराव क्रमांक 14 यानी उसमें पास हुआ और वहां पर यानी उसको मंजूरी दे दी गई कि वहां पर लाइब्रेरी बना दी जाए। तो आज यानी 10 साल होने के बावजूद भी लाइब्रेरी क्यों शहर को नहीं दी गई और अभी वहां पर कुछ लोग इलीगल कब्जा कर रहे हैं, इसकी मांगनी लेकर के मुसलसल हम लोग लेटर पत्र व्यवहार कर रहे हैं TMC के साथ और भी दिग्गज यानी हमारे CM साहब को यानी पूरे डिपार्टमेंट को हम कर रहे। अब जाकर के जैसा आपने कहा कि जो हमारे यहाँ के नेता है जितेंद्र अवार्ड, आप कह रहे हैं वहां पर लोग कब्जा कर रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे हैं, कौन सी जमीन है कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे हैं? यहाँ के जो विधायक हो तो कह रहे हैं कि उन लोगों को असली जमीन मालूम ही नहीं है, वो तो दूसरे जगह पर है। देखिए कैसा है कि आपको पता है कि हर बार जब यानी हम लोगों ने उनका करप्शन बोला है तो वो ऐसी बौखलाहट में आकर के कोई भी जमीन पे खड़े होकर के उसको कोई भी रिजर्वेशन बताया उन्होंने, और हम जो बताते थे वही रिजर्वेशन हमेशा सही निकले और इस बार भी हम सही है। मैं आपको बताऊं कि आप मुझे बताएं कि हमने हमेशा ये बोर्ड हमारा मारा हुआ है, ये बोर्ड थाने महानगर पालिका का मारा हुआ है, ये आप देखो ये स्कूल के पीछे हम जो दीवार थी जो आज गिरा दी गई वहां पर आज आप जाके देखो एक हट बन चुका है, वहां पर इलीगल कब्जा चालू हो चुका है, हमने वो जगह बताई। एक मिनट, और अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये मैंने 7 12 जो है 4 महीना पहले निकाला, लेटेस्ट 7 12 है जो आप देख सकते हो। 2008 में लाइब्रेरी वो वेलफेयर सेंटर के नाम से TMC ने अपने ऊपर यानी 7 12 फिरा के ले चुका था ये जमीन का, ये 50 1 3 जो जमीन नंबर है, रिजर्वेशन नंबर है, उसका प्लॉट नंबर है, तो हम वो जगह बता रहे हैं। आज ये जगह आप जो दिखा रहे हैं ये कहाँ पे, ये जो जगह हमने आपने वीडियो देखी होगी, हमने इसके बाहर खड़े होकर के TMC स्कूल है कौसा में MMLE में, उसके पीछे के हिस्से पे जो रोड पे आप आओगे सर्कल के पास से अंदर जाओगे, ये हम वो जगह बता रहे हैं। और अभी जो जो जा करके यानी MLA साहब ने जो जगह बताई है वो पीछे एकदम लग करके बताई है उन्होंने, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही वो वीडियो में कौन सी जगह पे खड़े होकर पाइलिंग बता रहे। और मैं बताना, मैं आवाम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, आप इतने सालों से यहाँ, अरे ये लोग गटर और नालों की ओपनिंग करते तो 2 2 दिन तक ढोल बजाते, ये गटर और नालों के ऊपर खड़े होकर के, इन लोगों ने लाइब्रेरी की ओपनिंग कर दी, ये बता रहे हैं MLA जाके बता रहे मैंने 65 फाइलिंग करवा दी और इन्होंने पब्लिक को बताया तक नहीं। मैं 4 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि उसका कब्जा हो रहा है, इन्होंने बताया नहीं कि सैफ गलत बोल रहा है, हमने तो काम शुरू कर दिया, इन्होंने ओपनिंग नहीं करी। आपको मालूम है अगर ये एक शहर में एक नाला गटर बनाते तो ओपनिंग करते ना जोरों शोरों से, तो इतनी बड़े काम की ओपनिंग इन्होंने छुपा दी। और दूसरी बात ये बता रहे कि मैंने 65 फाइलिंग करवा लिया, 80 लाख रुपया आ गया, 2 करोड़ रुपया पास हो गया बिना वर्क ऑर्डर, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रेक्टर है जिसने 65 फाइलिंग मारा? आप खुद बोल रहे हो, आप कितने बड़े झूठ आप बोल रहे हो, आपकी घबराहट में आप क्या क्या बोल रहे हो, आपको समझ रहा है कि आप नशे में हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बोल रहे हो कि वर्क ऑर्डर अभी तक आया नहीं और आप बोल रहे हो 65 मैंने फाइलिंग भी करवा दिया विदाउट वर्क ऑर्डर, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रेक्टर है जो वहां पर 65 फाइलिंग कर रहा है? तो गुमराह सैफ पठान नहीं कर रहा है, गुमराह जिस तरीके से पिछली बार इन लोगों ने स्लाटर हाउस की जमीन और कब्रस्तान की जमीन का हेरफेर किया, जिस तरीके से इनके लोग यानी हर यानी रिजर्वेशन प्लॉट पे बिल्डिंगें बांध रहे और यानी उसका वो कर रहे हैं, उसके बाद ये आके गुमराह करते कोई भी प्लॉट पे खड़े हो जाते कि यहाँ मैं कब्रस्तान दूंगा, यहाँ मैं स्लाटर हाउस दूंगा, यहाँ मैं प्लेइंग ग्राउंड दूंगा, उसी तरीके से लाइब्रेरी की जगह हड़प की जा रही है और कहीं पीछे पीछे करके लोग कोई जगह दे देंगे छोटी मोटी। हम लोगों को जो 14 घंटा के आने जो लाइब्रेरी मिली वो नहीं मिलेगी, कल्चर सेंटर नहीं मिलेगा, गुमराह ये लोग कर रहे। मेरे पास इस पे आप जो पेपर दिखा रहे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी है, तो इस पे कब्जा कौन कर रहा है आखिर, कौन लोग हैं?
इसके संबंध में भी आपने कुछ शिकायत वगैरह कही कही है? मैंने शिकायत की, मैंने लेटर दिया है, मैंने यानी टीएमसी से कहा है कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कौन कब्जा कर रहा है। मैं आपका रिजर्वेशन है, आपके नाम पे रिजर्वेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी यानी लाइब्रेरी का मैंने पूरा तफसील में लिखा कि 2008 में आपने जगह अपने हैंड ओवर ले ली, 2012 में उसका ठहराव पास हो गया महासभा में आकर के, मेयर से सबसे मंजूरी हो गई वोट महासभा ठहराव में। उसके बाद 2022 तक वो जगह क्यों नहीं बनी और वहां पर इलीगल जो एंक्रोचमेंट हो रहा उसको हटाओ। मैंने टीएमसी से कहा है कि जो भी हो एक्स वाई जेड मुझे पता नहीं, जो भी है आप उसको हटाओ। और वहां पर जहां लाइब्रेरी पास हुआ, हमको लाइब्रेरी तो हमारे शहर को लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे शहर में लाइब्रेरी आएगी, आपको पता है सब मिडिल क्लास के नीचे यहाँ पर लोग रहते हैं। आज बताएं बच्चे लोग को अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी होगी तो लाइब्रेरी, आप देखो ये रिजर्वेशन जो मैं बता रहा हूं, मैं कहां गलत बता रहा हूं मुझे ये तो पता है। ये आप रोड देख सकते हो, ये 50x1 का जो रिजर्वेशन प्लॉट बता रहा हूं, लाइब्रेरी की जगह है, ये लाइब्रेरी की जगह देखो आप 50 की क्या नंबर लिखा है यहां पर, जरा कैमरामैन भाई जरा जूम करके बताइए 7-12 पे क्या लिखा है। 50x3 क्या लिखा है? थाने महानगर पालिका थाने लाइब्रेरी व वेलफेयर सेंटर। ये क्या है जो मैं जगह बता रहा हूं, क्या है 50x1 और 3, एक आगे और 3 पीछे, बराबर। तो अब झूठ कौन बोल रहा है? जनता फैसला करे। किसने पिछली बार तुम्हारा स्लाटर हाउस तुमसे छीन लिया और वहां पर कब्रिस्तान बनाया जबरदस्ती का, और जो कब्रिस्तान की जमीन थी वो बिल्डरों को दे दी सिर्फ 15% कमीशन के लिए। वो आज 15% कमीशन के लिए लाइब्रेरी बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा रहा है। ये सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, जनता फैसला करे। इसके अलावा प्ले ग्राउंड का भी जो है मामला वो काफी चल रहा है, खेल का मैदान जो है वो नहीं मिल रहा है। एक खिलाड़ी अकबर नाम का था, उसने इस बात को जो है आवाज उठाई। हालांकि एमआईएम पार्टी के जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं वो लोग काफी इस पर भी जो है फॉलोअप ले रहे थे, आंदोलन भी किए उन लोगों ने, पैदल मार्च किए। तो अभी प्ले ग्राउंड को लेकर भी चर्चा जो है काफी तेज है, और वो भी बताया जा रहा है कि स्टेडियम के पीछे वो जगह दी जा रही है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि शहर में ना ये लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि वो अकबर जो मैंने उनका वीडियो देखा, एक बच्चा मैन ऑफ द सीरीज लेता है, वो अवार्ड लेने स्टेज पे आता और वो आप लोगों को जलील करता आपके मुंह पे खड़े होकर के। वो आप लोगों को बताता, अपना दर्द बताता है कि आज हम लोग शहर में क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम खेलने कोई दूसरे ग्राउंड पे जाते तो हमको वहां रोक दिया जाता है, बाहर के शहर के बाहरों के ग्राउंड पे हमारे पास एक ग्राउंड तक नहीं। आके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर संवारने के लिए, खेलने के लिए, उसको कुछ यानी अपने अंदर से यानी अपने हुनर को बाहर लाने के लिए जगह नहीं है। वो आपको बता रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? हम इस पे बात करेंगे। 13 साल से आपका एमएलए है, 15 साल से आपके नगर सेवक 3-3 हो चुके हैं, और उसके बाद एक बच्चा जब आपको स्टेज पे आकर के बताता उसके बाद आप बात करोगे तो क्या फायदा आपका बात करके? या आपका और आपके लोगों का फेलियर नकारापन नहीं है तो क्या है? आप बताए उसके बाद भी मैंने सुना आपके उस माध्यम से पता चला मुझे, या मैंने दूसरे भी न्यूजों के माध्यम से देखा कि ये बातें हो रही कि वो हम स्टेडियम के पीछे सीआरजेड पे देंगे। क्यों सीआरजेड पे देंगे? आज हमारे पास दुनिया के लिए रिक्रिएशन ग्राउंड के हमारे पास रिजर्वेशन पड़े हुए शहर जो रिजर्वेशन है वो ही देना चाहिए ना, वो सीआरजेड में क्यों है ना हमको दोगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जहां पर यानी अभी ये मैंने आपको लाइब्रेरी वगैरह की जगह बताई जहां पर अभी इन लोगों ने हमारा स्लाटर और रटा करके कब्रिस्तान दिया, उसके बाजू में यानी रिक्रिएशन ग्राउंड था, आप देख सकते हो उसके बाजू में रिक्रिएशन ग्राउंड है, वो जगह पर आज यानी बिल्डिंग का काम चालू है। आप वो रिजर्वेशन की बात करते हो तो रुकाओ बिल्डिंग का काम, तोड़वाओ वो बिल्डिंग अगर जो रिजर्वेशन पे हो रही है। उसके बाद अभी खाली प्लॉट आपने देखा होगा कि जहां पर इज्तिमा हुआ वहां पर 26 एकड़ के अंदर ये देखिए आप देख सकते हैं एमएससीबी टीएमटी कॉलेज ड्रामा थिएटर सेकेंडरी और रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन है टीएमसी का। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो उसका प्लान है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, इस पे भी आप उनका कहना है कि सब बना कर दिया जाएगा, आप लोग कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उधर काम, तो फिर हमको सीआरजेड में क्यों भेज रहे? अगर मैं बताऊं, अगर मैं आप मुझे बोलते हो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ तो ये मैं हमारे एमएलए जितेंद्र अवार्ड का दोगलापन नहीं बोलू तो क्या बोलू? आप मुझे बताओ, जब बात शहर मुमरा की आती है तब आप हमको लेके आगे सीआरजेड में, आप स्लाटर हाउस बोलोगे सीआरजेड में जाके लो, आप यानी खेलने का ग्राउंड बोलोगे सीआरजेड में जाके लो जो एकदम लो लाइन एरिया है मुमरा का, और आप कलवा की जब बात आती है तो आपने शहर के बीचों बीच खारे गांव से थोड़ा आगे जाओ, आप खारे गांव से हमारे पास वीडियो तो हम वो वीडियो भी शेयर करते थे, बीचों बीच तुमने शहर के उनको ग्राउंड बना के दिया बाउंड्री वॉल मार करके मट्टी बननी करके। तुम हमारे शहर को दो ना, जहां पर आज ये प्लॉटिंग हम आपको बता रहे हैं, जो हम आपको ये पेपर बता रहे हैं, मुझे बताओ
ये जो हम पेपर बता रहे कि ये हम जो अभी जो मैंने आपको मोबाइल में बताया, ये ग्राउंड बता रहा हम आपको, तो अभी आप देखिए ये लो लाइन एरिया है, ये तो मैं कब्रिस्तान और हॉस्पिटल का हिस्सा बता रहा हूं आपको। देखो हर साल पानी में कैसा डूब जाता है। अब मुझे बताओ कि ये लोग बोल रहे कि इसके पीछे ये हम लोगों को ग्राउंड देंगे, क्या छाल के 5 महीना 6 महीना बच्चा पानी में डूबे हुए ग्राउंड में खेल पाएगा? अरे तुम फुटबॉल क्रिकेट ये सब गेम तो है ना, बारिश में बच्चा फुटबॉल खेलने का शौकीन रहता है, लेकिन इतने एक एक माले जितने पानी में डूबे हुए एरिया में बच्चा जाके फुटबॉल खेलेगा कि स्विमिंग करेगा उसके अंदर जा करके? तुम हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे? तुमने जैसा कलवा में दिया शहर के बीचों बीच दो ना, ये शहर के बीचों बीच ये ग्राउंड आने वाला है। प्ले ग्राउंड के अलावा लड़कियों के लिए, खास तौर पर लड़कियों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड कर रहे। मुंब्रा में आरक्षित जमीन ऐसी भी है सिर्फ लड़कियों के लिए, खेल का मैदान मुंब्रा में स्टेडियम के बाजू में ही जमीन है। कितनी आरक्षित जमीन है कि यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर नाना नानी पार्क है, यहाँ पर हमारे यंगस्टर्स के लिए खेलने के लिए रिक्रिएशन ग्राउंड है। यहाँ पर मैं नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, इन लोगों ने ही बताया है कि कहीं पे स्टेडियम के पास ये महिलाओं के लिए ग्राउंड पास हो चुका है, ये लाएंगे। इनने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में बताया, मैं अभी आपको बताता हूँ। वो है हमारे शहर में लाइब्रेरी, हमारे शहर में जगह जगह स्कूल, आप देख सकते हो टीएमटी के, आप देख सकते हो थिएटर, यानी जो एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर का रिजर्वेशन है हमारे शहर में, इतने टोटल रिजर्वेशन है। और उसके बाद आप ये क्या कर रहे कि ये एक लेटरबाजी कर रहे, अफसोस होता है मेरे को। और ये बता रहे कि हम जाएंगे वहां पर सीआरजेड में, ये आकर के कहीं पे भी सीआरजेड में खड़े होकर के जगह बता देंगे। अभी आप देखो ये स्टेडियम के पीछे ये पूरा भरा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, ये मैं आपको वादे दावे से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि ये स्टेडियम के पीछे का जाकर वो सीआरजेड जो पूरा पानी से डूब जाता है वो जाकर बताएंगे, मैं आपको रिक्रिएशन ग्राउंड करके दे देता हूँ, मैं आपको कर देता हूँ। हमारे लोगों के साथ फिर से मजाक करेंगे कि नहीं चाहते कि इस शहर का यंगस्टर पढ़े, इसके लिए लाइब्रेरी स्कूल नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते इस शहर का यंगस्टर्स खेले कूदे और आगे बढ़े, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करके आगे जाए, इसके लिए आपको ग्राउंड नहीं देना चाहते, और ऐसा ग्राउंड देना चाहते जो 4-4, 6-6 महीने यानी पानी में डूबा रहेगा। हमारा बोलने का मतलब है कि शहर में हमारा मित्तल में रिजर्वेशन, और क्या लॉलीपॉप इनके लोग बैठ करके, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नगर सेवक बैठ जाते हैं। आप इतना आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, शहर में भी ऐसी खबरें हैं कि आरक्षित होने के बावजूद भी मिल नहीं रहा है, और आप विरोधी लोग हैं, आप लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं, शहर के लोग भी यही इल्जाम लगा रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वाकई में ये गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है, शहर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है आखिर? देखिए कैसा है ना कि शहर ने ना इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर ने इस बार है ना आपको पूरे नगर सेवक बदलने होंगे, और आपको एमएलए बदलना होगा, एमपी बदलना होगा, क्योंकि आप लोगों ने जिनको चुन के दिया है ना वो नेता लोग नहीं, वो बिजनेसमैन है, और जब आप बिजनेसमैन को चुन के दोगे ना तो वो सिर्फ और सिर्फ सौदे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार करेंगे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने रिजर्वेशन प्लॉट पे बिल्डिंगें बन रही है, जितने जितने हमारे मैंग्रोव काट करके बिल्डिंगें बन रही, सीआरजेड की जगहों पे बिल्डिंगें बन रही, जिससे शहर धोखे में आ रहा है, मैं आपको उसका भी खुलासा करता हूँ, इन सब पे इनके लोग काम कर रहे हैं, इनके इनके नेता लोग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, चाहे वो आप स्टार्ट से आओ, डीजेड से आओ, चाहे वो आप नाइस सिटी पे जाओ, सब इनके लोगों के नाम मिलेंगे, और सबसे हमारा शहर धोखे में आ रहा है, क्योंकि नाइस सिटी जो बन रही है वो मैंग्रोव की जगह पे बन रही है, उसका भी खुलासा मैं पूरा खोलने वाला हूँ, वो मैंग्रोव की जगह पे बन रही, मैंग्रोव काटे जा रहे, जिस वजह से शहर को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पे नाइस वर्ल्ड वो आप बन रहा है, वो मैंग्रोव की जगह पे बन रहा है, जिस वजह से आने वाले टाइम पे शहर को कहीं ना कहीं बड़ी भरमार में ना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंग्रोव होता है जो खाड़ी का पानी जो आपके शहर में आता है, भरनी होता है, जब बारिशों के मौसम में बाढ़ आती है तो उसको रोकता है, वो काटा जा रहा है, उसके अलावा आप यहाँ पर नाले छोटे कर दिए गए वो बिल्डिंग बनाने के लिए, सोसाइटीज बनाने के लिए अपनी, तो ये सब इनके लोग काम कर रहे हैं, आपको इनको बदलना होगा, नहीं तो ये सिर्फ व्यापार करेंगे, और शहर की हर एक नियामत है, जैसा हम कह रहे हैं ना कि रिजर्वेशन प्लॉट्स को बेच करके अपने लोगों को बनाने के लिए, और जो सोकोल नेता है वो 15% कमीशन पे उनको दे करके खुद का घर बनने के लिए काम करेगा, और शहर बर्बादी की तरफ जाएगा। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आप मुझे बताओ आज अफसोस होता है कि नहीं कि 3 टर्म से बैठा हुआ नगर एमएलए, उसके अंदर बैठे हुए नगर सेवक आपके इंटरव्यू में कल बताते हम अभी लेटर देकर आए। एक बात और है भाई साहब ने ये बात कहा कि पूरा शहर ही इलीगल है, पूरा शहर ही इलीगल है, अवैध रूप से बसा हुआ है पूरा शहर ही। लेकिन इलीगल है पूरा शहर तो बसाया किसने? हम तो अभी हम यंगस्टर्स लोग तो अभी आए, एमआईएम की टीम तो अभी आई है शहर में,
आप ही लोग सत्ता में थे, इलीगल बसाएगा नहीं, इलीगल बिल्डरों को सपोर्ट किसने किया? आप लोग करते उस टाइम पे, रोकते आप लोग सब। और भाई साहब का वो इंटरव्यू मैंने भी सुना, अगर आप सोचिए भाई साहब बोल रहे कि इलीगल पूरा शहर बसा हुआ है, हम लीगल दे ही नहीं सकते, कौन मांगता है लीगल यहाँ पर? भाई साहब पहले तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनके उसको काउंटर नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ऐसी है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इलीगल है, हम लीगल दे ही नहीं सकते, तो आपके एमएलए को छोड़ देना चाहिए। क्या आप कबूल रहे हो कि वो नाकारा, वो दे ही नहीं, दिला ही नहीं सकता लीगल? हमने जिसको चुन के दिया उसकी कैपेसिटी नहीं लीगल लाने की, हमने जो नगर से वो चुन के दिया उनकी कैपेसिटी नहीं, तो आपको खुद उनसे इस्तीफा करवा देना चाहिए। हम बता रहे ना आपको कि जितने रिजर्वेशन है, इस बार एमएम को मौका मिलेगा, सब रिजर्वेशन एमएम वापस लेकर आएगी। अगर आज वहां पर इलीगल, वैसे मैं आपके माध्यम से ना लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग पता करिए। आपको पता होगा नोएडा में जिस तरीके से ऑर्डर आके बिल्डिंग गिराई गई रिजर्वेशन प्लॉट पे से, उस तरीके से मुमरा शहर के अंदर लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप पता करिए, अगर रिजर्वेशन प्लॉट, हम खुल खुल के हर इंटरव्यू उसमें हर उसमें हम बता रहे कि भाई मित्तल में कौन कौन सी जगह पे रिजर्वेशन है। और अभी मैं आपको बताऊं, ये जो बातें इनके नेता लोग फैला रहे ना कि रिजर्वेशन प्लॉट वो किसकी मालकी की जगह है, वो देगा तो होगा, ये गलत बात है। यूडी ने जब आपको सब चीजें डेवलपमेंट यूडी की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जब आपको यानी रिजर्वेशन आए थे बैठ कर बना करके, वो सब प्लानिंग से आए थे, और वो सब है ना एक पेपर वर्क के, लंबे पेपर वर्क के बाद हुआ था। मैं आपको मरूम, एक मिनट थोड़ा पीछे हटेंगे आप, मैं आपको मरूम रफीक मुकादम साहब की पीआईएल का पेपर बताता हूं, जो मैंने अभी कोर्ट से निकाल के लाया है। आप ये पीआईएल के पेपर देखिए, उसमें उन्होंने एक जगह पर, जरा ये जूम करिएगा भाई, देखिए उन्होंने इसमें ना सेकंड पैराग्राफ देखिए इन्होंने लिखा है, ये देखो उन्होंने लेटर लिखा है 18/3/1989 का लेटर लिखा उन्होंने, द रेस्पोंडेंट नंबर सिक्स एग्री that it shall hand over the area that may be reserved for the public purpose free of cost to the respondent number 3, yani respondent number 3 TMC thi aur uske respondent number 6 yani ye jo Nolatam society thi, inhone 1989 mein, main aapko wo batata hu 1989 ka page number hai 37, ek minute rukiye, ye dekhiye ye wo exhibit ki copy hai जो मित्तल ने टीएमसी को दी थी, नौरतम ने लिख करके टीएमसी को दिया था कि आप हमारे को डेवलप करने के लिए हमारी जगह पे परमिशन दे, उसके एवज में आप जो भी रिजर्वेशन हमारे उस पे लाओगे प्लॉट पे, हम उसके लिए ना यानी विरोध यानी क्या ना हरकत बोले, हम उसके लिए नो एनओसी देते आपको। तो आज ये आप आज यहाँ के एमएलए और इसके नगर सेवक कैसा बोल सकते हैं कि यानी वो रिजर्वेशन को मना करेगा, जब उसने 1989 में लिख कर दिया है और ये कोर्ट से निकाला हुआ पेपर है, आप देख सकते हैं इस पे पूरे कोर्ट के थप्पे हर जगह जगह। मैंने कोर्ट से निकाल के लाया मरूम जो रफीक मुकादम थे जिन्होंने पीआईएल डाली थी मित्तल को लेकर के, हमारे कब्रस्तान को लेकर के, ये वो पीआईएल के पेपर मैंने निकाले उसको टोटल, उसमें वो पेपर निकल रहा है। तो आज इनके लोग गुमराह नहीं कर रहे, आज इनके नगर सेवक और सब लोग क्या बोलते कि अरे भाई वो परमिशन नहीं दे रहा, वो उसकी जरूरत ही क्या परमिशन की, ऑलरेडी उसके साथ जो पेपर वर्क होना था, उसको जो टीडीआर देना था, उसको जो जगह पे परमिशन देनी चाहिए, हो चुका उसके साथ सौदा टीएमसी का। अब आप लोग इंटरवेंट होकर के आप लोग वो मामले के बीच में आकर के अपना 15% कमीशन के लिए उसको लालच दिखा करके 2 पैसा उसको भी बढ़ा कर दे रहे हो और 4 पैसा खुद भी कमा रहे। यानी आप जो बता रहे हैं इस हिसाब से पूरे मुमरा शहर के साथ एक खेल खेला जा रहा है, गुमराह खेल खेला जा रहा है। और देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये जब सबूत बताया, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना वो इस सबूत का सबसे अहम हिस्सा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि ये अपने काम में अपने किए हुए वादों से फेल है, ये झूठे लोग है, एमएलए सरासर झूठ बोलता है। अभी मैं आपको ना 2 चीज बताने जा रहा हूँ, 2 किताबें बताने जा रहा हूँ जो मैनोफेस्टो के नाम से आई, जो एक चूरन करके 2014 में आई और 2019 में लॉलीपॉप इन्होंने लाई सामने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो देखिए, ये 2014 का इनका मैनिफेस्टो है। आप मुझे बताएं कि ये झूठ बोल रहे कि नहीं? आज जो रिजर्वेशंस को लेकर के ये हमारे पे बता रहे कि हमारे को तकलीफ हो रही है, क्या है ये ऑकर जोन सीआरजेड था ना, ये टाटा पावर के नीचे बनाया गया, कहां आज ऑकर जोन है शहर के अंदर? अभी मैं आपको एक हाईलाइट बताता हूं, सब चीजों पे आएंगे, थोड़ा पहले मैं इसमें से कुछ एक चीज आपको एक अहम चीज है जो आपको बताना जरूरी है। देखिए ये जो लड़कियों के लिए, ये 2014 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या लिखा है, जरा जूम करना मेरे भाई, मुमरा कौसा में पहली बार महिलाओं के खेलने के लिए मैदान बनाने के लिए मंजूरी ली, जो जल्द ही कौसा स्टेडियम एमएवैली के पास बनाया जाएगा। ये जितेंद्र रावत 2014 में बोल रहे और 2022 में उनके लोग बोल रहे कि हम सीआरजेड में लड़कों को ग्राउंड मिले।
लड़कियों की, अरे हंसने वाली बात है, तुम लड़कों का ग्राउंड छीन रहे हो, उनको देने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं। सीआरजेड में 2022 में बता रहे हो, 2014 में तुम क्या लिख कर दे रहे हो। उसके बाद तुम बाजू में देख सकते हो कल्चरल सेंटर है हमारे शहर का। अभी ये मैं एक एक चीज, ये आज मेरे को बताओ ये शौचालय किधर है शहर में, ये झूठे है कि नहीं, मेरे को शौचालय बताओ किधर है। चौकी के आगे जाओ एक, यानी स्टेशन के पास, बीच में भी इन लोगों ने जबरदस्ती किसी की जगह पे ब्रिज के नीचे बनाया वो, और एक चौकी इसके आगे जाओ, उसके आगे से कल्याण फाटे तक मेरे को शौचालय बताओ आप। जो शौचालय शहर में बने थे ना, वो भी इन लोगों ने तोड़ दिया और वहां पर इनके लोग कब्जा करके बैठे, कहीं पे सर्विस सेंटर चला, इनके ही लोग है, कहीं पे यानी बाउंड्री मारकर अपनी जगह लीगल बना करके एकदम बता के बैठे। कहाँ है ये आप देखो, ये इनके 2014 के मैनिफेस्टो, कहाँ है ये टॉयलेट, गर्ल्स हॉस्टल, मैं बता रहा हूँ अभी भाई, ये मैं तो नहीं बोल रहा ना, ये पानी की लाइन, कहाँ है ये, कई सौ करोड़ का इन्होंने वादा किया था कि मैं मंजूरी करवा के लाया, पानी का प्रॉब्लम आज भी है शहर में, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज भी हर एरिया में पानी के लिए परेशानी है। 2014 में जरा ये लेडीज हॉस्टल कहाँ है, जरा पूछिए इनसे। और ये आईटी पार्क किधर है मुमरा के लिए, आईटी मुमरा कहाँ है, ये तुम्हारे वादे किए हुए कहाँ पर है, ये झूठा कौन है आप पता चलेगा लोगों को ना, 2014 के वादे बता रहे। ये हॉस्पिटल, मेरी बात बताओ, मैंने हमेशा बोला कि हॉस्पिटल 4 माले का पास हुआ, 5 माले का बनना था, ग्राउंड प्लस 4 माले का पास हुआ, आज वो 1 माले का किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है। 160 करोड़ लागत लगाकर, 140 करोड़ की लागत लगा करके तुम यानी हमको 1 माले का हॉस्पिटल, इनके मैनिफेस्टो में देखो इन लोगों ने 2014 में कितने माले का हॉस्पिटल का वो डाला है, इनका झूठ तुम खुद दिखाओ लोगों को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनका झूठ आप बताओ। अच्छा इसके अलावा भी मैं तुम्हारे को अभी और भी चीजें बताता हूँ, ये तो अभी मैं 2014 का मैनिफेस्टो निकाला हूं, ये 2014 का क्या है चौपाटी, सपना आया मुझे रात में, एक वीडियो आई थी 2019 में, मैं एक दिन सोया था, मुझे सपना आया कि शहर बने चौपाटी बने, कहा है ये चौपाटी फोटो में वीडियो में कहा है। अरे यार कभी कभी अपने आप पे हंसी आती है कि हम लोग किसी को चुन के दे रहे हैं भाई, ये देखा आपने, ये 10 दिन के लिए चालू हुआ था, कई करोड़ पास हुए इसके लिए, 11वें दिन दिखा भी नहीं किसी को, ये चोट अपने पहाड़ी पे ब्यूटिफिकेशन का, ये लाइट जाती थी 10 दिन, 11वां दिन दिखा भी नहीं किसी को, ये छाप तो देते हैं। अभी आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये वन विंडो ऑफिस, आज आज बताओ इनके लोग ही कब्जा करके वहां पर टर्फ बना रहे हैं, वहां शादी के हॉल चल रहे हैं, मैंने लाइव के मारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने वन विंडो ऑफिस, ये 2019 में जितेंद्र अवार्ड ने वादे किए कि मैं यहाँ पर वन विंडो ऑफिस, और वीडियो भी है मेरे पास, मैं वीडियो दिखाऊं, वही जगह पे खड़े होकर के वीडियो में बोल रहे कि यहाँ पर वन विंडो ऑफिस बनाऊंगा, सब यहाँ लेकर आ जाऊंगा एक ऑफिस पे, वीडियो है मेरे पास उनका स्टेज पे खड़े होकर के, क्या पता होश में रहते हैं नहीं रहते कि कुछ भी कहीं भी बोल देते, उसके बाद यानी होता है कल्चरल सेंटर उर्दू भवन, आप मुझे बताओ कितना पीछे जो जगह बता रहे, हम जो मांगनी कर रहे रोड टच, ये दिख रहा है आपको, ये रोड टच दिख रहा है आपको, इनका आउटलेट बनाया हुआ उर्दू भवन, उर्दू भवन वही लाइब्रेरी कल्चरल सेंटर जो हम बोल रहे हैं, और लाइब्रेरी उर्दू भवन, ये रोड आज तक नहीं बना, ये मोहर विकास की है, हद है यार, ये खारघर में काम चालू हो गया इसका, वीडियो है उनका मेरे पास कि मेरा वो हमारे आपके पत्रकार भाई है मुंबई टीवी के हमारे अफजल भाई, उन्होंने पूछा कि 19 में के सर आप जीतने के बाद क्या आपका सपना, तो मेरा सपना है कि मैं 3 चीज दूंगा लाइब्रेरी और हज हाउस और उर्दू भवन, कसम से। अब देखो आप ये उनको, मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि उनका सपना पूरा हो गया, उन्होंने आपको आपके मैनिफेस्टो में दे दिया, इससे खुश रहो आप, वो यही दे सकते। और उसके बाद ये हॉस्पिटल, ये इनके इनका दोगलापन नहीं, मैं अगर दोगला बोल रहा हूँ कि इनका दोगलापन नहीं तो ये आप बताओ, 2014 के मैनिफेस्टो में आप देखो हॉस्पिटल, और 2019 के मैनिफेस्टो में देखो हॉस्पिटल, अब इसको दोगलापन नहीं बोले जनता तो क्या बोले, अगर अपोजिशन होके मैं इस पर अगर दोगलापन नहीं बोलूं तो क्या बोलूं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बताना चाह रहा हूँ, देखो ये डायलिसिस सेंटर अलमास में,
ये 19 में उन्होंने बताया, आप पढ़िए, मुंब्रा कौसा परिसर अलमास कॉलोनी येचे वफा पार्क छे मागे आशियाना इमारतीकडे शासकीय भूखंड 3 मंजिला आरोग्य उपकेंद्र येचे आहे। 10 कोटी रुपया खर्च करून उभारण्यात येचे 3 मजली इमारत आहे। तळ मजल्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, पहिला मजल्यावर डायलिसिस सेंटर। आज शहर यह है क्या वहां पे? इस मैनिफेस्टो में है ना, इनका काम हो गया। वफा पार्क में, अरे वफा पार्क में जगह है लेकिन चली गई अभी किसी को। आप पता करिए, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ ना, और मैं इनके वादे बता रहा हूँ। ये कैंसर सेंटर जो बनाने वाले थे ये, अरे जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो ना आप इनसे, अलमास कॉलोनी में एक आरोग्य सेंटर क्या मानोगे? ये तो अभी आपको जो पास हुआ वो प्राइवेट कर रहे, जो बन चुका है 140 करोड़ की लागत से बन गया वो पास, इलेक्शन के लिए रुका है, उसके बाद ये प्राइवेट करने वाले। और इन्होंने उसके चक्कर में जो या छोटी बाजार का 10 कोटी का यानी 10 बेड का जो वो था मैटरनिटी होम, वो बंद कर दिया। तो आप उनसे नए डायलिसिस सेंटर की उम्मीद कहां करोगे? वो डायलिसिस सेंटर किसी प्राइवेट वाले से चालू करवाया उन लोगों ने भी, और सब आपको प्राइवेट ही देखे ना इनका क्या। अच्छा ये भी बहुत बहुत सोचने वाली बात ना कि जितेंद्र और ने टेटर भी दे दिया हमारे को, एजुकेशनल टेटर पढ़ाई हो, वो 26 एकड़ की जो जगह हम लोग बता रहे ना जहां आज इज्तेमा हुआ वहां पर ये टेटर दे दिया इन्होंने। मैनिफेस्टो में हो गया इनका काम। अभी मैं इन सब चीजों पे, अभी आया हमारा स्लॉटर हाउस, आप मुझे बताओ कि आज ये सीआरजेड की तरफ उंगली करके बताते कि हम वहां पर स्लॉटर हाउस देंगे। 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस पास हुआ हमारा, मेरे पास यूडी से पास हुए पेपर है, इसमें पेपर है, इसमें मैप है, जो मरूम रफीक मुकादम साहब ने डाला है ना उसमें वो जगह है, मैं आपको उसका मैप खोल के बताता हूं, उसमें वो जगह है स्लॉटर हाउस की। बोलो भाई, और ये हमको यानी कहां भेज रहे हैं, क्यों जाएंगे हमारे लोग जब रिजर्वेशन है? मेरे बोलने का मतलब है कि देखिए अभी इसमें आपको आ जाओ, ये भाई इधर आओ, इधर ये देखो, इधर इधर आओ, ये आपका टीएमटी, ये हम लोग आते हैं, ये स्टेडियम आप देख रहे हो, ये हॉस्पिटल, ठीक है, ये स्टेडियम है, ये हॉस्पिटल, इसके बाजू में रिक्रिएशन ग्राउंड है जो उन लोगों ने महिला के लिए बताया था। आज ये भी, ये रिक्रिएशन ग्राउंड भी देने तैयार नहीं हम लोग महिला के लिए, आज भी हमको ये लोग पीछे की जगह बता रहे कि पीछे सोनकार गांव में लेके जाने वाले आपको ये। अरे इनको बोलो बाजू में स्टेडियम से लग करके है ना रिक्रिएशन, सिर्फ बाउंड्री मार के दे दे हम लोगों को, और तुमसे नहीं हो पाएगा भैया, तुम रहने दो ना, तुम फोटो बना के दोगे इंशाल्लाह ताला, हमारी एमआईएम की टीम आएगी तो हम ये सब जगह। अब ये स्लॉटर हाउस देखो आप, स्लॉटर हाउस कितना बड़ा पास हुआ हमारा, कब्रस्तान यहाँ पर तुम्हारे को 11 एकड़ की स्लॉटर हाउस की जगह पर एक 4 एकड़ 4.5 एकड़ का कब्रस्तान दे करके बाकी की 7 एकड़ खाएं, 7 एकड़ पे क्या काम हो रहा, कौन कर रहा, कौन लोग है वो कहाँ है, और उसके बदले में जो हमारे कब्रस्तान की जगह पास हुई थी, ये जो कब्रस्तान की जगह है यहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कब्रस्तान के 5 एकड़ भी कहाँ है? उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे जब ये रोड, सुनो ये जो रोड निकल रहा है एमएम वैली से और ये जो रोड टर्न खा के बाहर आने वाला है यहाँ पर इज्तेमा हुआ, ये आज का तो ले, आज का आज यहाँ पर 26 एकड़ यहाँ इज्तेमा हुआ, ये आज का तो नहीं है, ये मरूम मुकादम साहब ने अपनी पीआईएल में दाखिल करा 2019 में। देखिए वहां पर टीएमटी मार्केट और अपना कॉलेज, ये कॉलेज रिक्रिएशन ग्राउंड है, ये आरजी, ये सब जगह हमारी ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है ना, आज खाली पड़ी बाउंड्री मार मार के दो ना, क्यों हमको तुम भेज रहे हो वहां पर सीआरजेड में, क्यों तुम सोनकार गांव की तरफ लेके जा रहे हो शहर को? ये किधर है, शहर से पड़ेगा ये रोड, ये रोड है, बच्चा यहाँ आकर खेलेगा, हम लोग यहाँ बच्चे लोग ये ग्राउंड पे खेलते थे, बच्चा यहाँ बाजू में खेलेगा, दो ना, लेकिन नहीं, ये जगह क्लियर प्लॉट है, ये आपको दिखेगा उनके कोई प्रोजेक्ट में फोटो होता हुआ दिखेगा। आज वहां पर इस्तेमे के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो बाउंड्री मार दी गई है, उसके बाजू में डिवाइडर बना दिया गया है, सब बना दिया गया, कंस्ट्रक्शन की तैयारी चालू है। तो तुम आज, तुम्हारे लोग ताजुब है कि तुम्हारे नगर सेवक बताते, कल मैंने आपके उस पर वीडियो देखा, वो नगर सेवक उनके एनसीपी के बोलते कि अभी मैं जाकर के कमिश्नर से मिलकर आया और हमने लेटर देकर आया, कितनी शर्म की बात है कि तुम 5 साल नगर सेवक रहे और 2000 जब तुम नगर सेवक से हट गए तब जाकर के तुम उनको लेटर दे रहे हो कि हमको, यानी तुम महासभा में आवाज लगाते, तुम्हारे एमएलए के पास आज भी है ना, बोले हुए ना असेंबली में खड़े होकर के मांगनी करे कि हमारे वहां जो रिक्रिएशन ग्राउंड है हमको दे, लेकिन इनकी सोच नाले गटर से बाहर नहीं आती, हम कुछ करप्शन खोलते तो वो जाकर के फिर बताते बिना वर्क ऑर्डर के काम बता देते कि मैंने किया, वो भी इल्लीगल, पानी भरता है उस पर, आज क्यों भरता पानी, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो यहाँ पर मैंग्रोव है
ये आप जो देख रहे हो सब मैंग्रोव की जगह है, जहां पर ये अभी हम लोगों को ग्राउंड देने वाले ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ नाइस वर्ल्ड करके काम चालू है, जो चालू है हाँ वो थोड़ा ग्राउंड, हाँ ये देखो ये सब मैंग्रोव की जगह थी, नाले छोटे किए गए यहाँ के, जो ये सब की वजह से शहर में पानी भरा। जशीद कंपाउंड का एरिया हो और अपना अमृत नगर हो, आपको याद होगा हमारे जो मेरे से पहले सदर थे रौफ लाला साहब, उन्होंने वो गटर पे जा करके बताया था कि गटर को छोटा कर दिया गया आगे भरनी करने के लिए, वही नाइस वर्ल्ड की भरनी चालू थी उसको। तो आप सोचो अपने कंस्ट्रक्शन के लिए शहर को डुबाने तैयार है ये लोग, और कैसे लोगों को वहां खुश रखोगे यार? तुम जब यानी शहर पानी भरेगा तो तुम आओगे जाओगे कहां से? तुम्हारे लोग पानी शहर में रहता है, पानी तुम सब बेतरतीब बना रहे हो। तो ये आज ये खुलासा करना और ये जवाब देने के लिए कि सैफ पठान झूठा नहीं है, एमएलए जो जगह बता रहा है वो झूठी बता रहा है, क्योंकि वो साफ झूठ है। आप मेरे को बताओ कि एमएलए बोल कैसे सकता है कि वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं आया और मैं पैसे फाइलिंग करवा दिया, वो भी हुआ है एमएलए जो एक गटर की ईंट भी इधर से उधर उठा के रखने के लिए फोटो खींचाएगा खड़े होकर के और वीडियो बनाएगा न्यूज बनाएगा, वो है लाइब्रेरी की ओपनिंग करता और नहीं बताता है, छुपा रहा क्यों है? और छुपाने का रीजन ये हो सकता है, छुपाने का रीजन ये हो सकता है कि फिर जगह का हेरफेर हो रहा है। जो मैं बता रहा हूँ मैंने जो जगह प्लॉट जो बताया आपको वो है, मैं ऑन पेपर बता रहा हूँ मेरे को, मैं चैलेंज करता हूँ ना आपके आपके माध्यम से, मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दिन वो मुझे बुलावे, आपको बुलावे, मीडिया वालों को बुलावे, चल के मेरे को जगह बताए, मैं पेपर पे जगह बताऊंगा कि आप सही बता रहे हो गलत है, लेकिन नहीं करेंगे वो फिर, क्योंकि उनको सपना देखना है चौपाटी का, तो वो नहीं करेंगे। तीन तीन गार्डन तोड़ दिए गए हमारे शहर में, हमारे शहर में गार्डन तोड़ दिए जाते, हमारे शहर में हॉकर जोन बना करके तोड़ दिए जाते, हमारे शहर में शौचालय, आज शहर में ऐसा नहीं कि शौचालय नहीं थे, इनके आने से पहले शहर में शौचालय भी थे जो तोड़ दिए गए। अभी मित्तल में जाओ आप देखो एक शौचालय बंद करके रखा है उन लोगों ने, आप देखो चर्च के पास बाजू में शौचालय था तोड़ दिए गए, वो तोड़ दिया गया। तो ये जब इनके आने से पहले शहर को कहीं ना कहीं सही से डेवलप कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एक विजनलेस नेता को हमने चुन के लाया है। और आप देखो आज मैं अगर इनका दोगलापन और मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ कि ये फर्क करके हमारे साथ काम कर रहे, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो आप अभी चाहे अभी चलिए मेरे साथ गाड़ी में और सिर्फ कलवा के ना ये मेन रोड से लेकर के ना वहां तक चलिए, आपको वहां पर दो दो तीन तीन ब्रिजेस बन के दिख जाएंगे नए डायवर्शन के लिए, आपको वहां पर गार्डन दिख रहे, आपको वहां प्लेइंग ग्राउंड दिख रहा है, आपको वहां कल्चरल सेंटर दिखेगा, आपको वहां स्कूल की नई इमारत दिखेगी, लेकिन मुमरा शहर में कुछ भी नहीं। डेवलपमेंट एक्चुअल हुआ है इनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन कलवा की तरफ हुआ है, मुमरा को इग्नोर किया गया और मुमरा के साथ यही मजाक हुआ है कि उसके रिजर्वेशन पे इनके नेता लोग इनकी तरफ से बोलते हैं। मुमरा के लोग तो अभी भी बोलते हैं कि मुमरा बहुत बदल गया है, डेवलपमेंट हो गया है, बन गया है, आम जनता नहीं बोलती है, मैं आपको वही बता। फिर कौन लोग है वो बोल? इनके चमचे चुमचे लोग है जिनका घर इससे चल रहा है, जिनका घर ये बेच करके चल रहा है, जिनका देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने स्टार्ट में क्या बोला कि आप लोग इस बार है ना बिजनेसमैन को नहीं चुन के दे, चापलूस लोगों को नहीं चुन के दे। अरे भाई आप मुझे बताओ इनकी सोच देखो, मैं देखता हूँ एक नगर सेवक इनके बैनर होता है वो आपका लीडर हो सकता है, अगर नगर सेवक सोचे कि एमएलए के बैनर हो रहा है तो वो आपका लीडर हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको लीडर चुनना पड़ेगा जो आपके लिए ये रिजर्वेशन के लिए खड़े होकर बात करे, चापलूसी करके हाथ बंद करके जहां पर आपने बोल दिया कि ये जगह मैं बिल्डर को दे रहा हूं, अभी तुम लोग को मार्केट में जाकर बोलने का कि मित्तल नहीं रेडी, क्यों नहीं रेडी है मित्तल? मित्तल ने लिखकर 89 में दिया है कि मैं नो ऑब्जेक्शन देता हूं कि यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट जहां पर रिजर्वेशन देगी, टीएमसी जहां पर रिजर्वेशन लगेगी, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे को बची हुई जगह पे काम करने दो। तो आज मित्तल के बोलने से परमिशन की जरूरत ही नहीं हमको, रिजर्वेशन यूडी की तरफ से आया, आप लोग सीधा सा बाउंड्री मारे और वो हैंड ओवर करना शुरू करे, लेकिन आपको तो सौदा करना है, आपके लोगों को बिल्डिंग मान। और ये सब चोरी देखिए मैं आपको बताऊं, ये सब चोरी है ना, पूरा पूरा ट्रैप है, मैं आपको बताता हूं। आज सैफ पठान आपको ये बोल रहे हैं तो इनके अधिकारियों की साजगाठ से मिल करके इन लोगों ने पूरा ये करा है, अभी एक आगे किसी को करके मुझ पे केस कर देंगे कि ये सब खुलासा हो रहा है, लेकिन मैं जनता के सामने इसके लिए लेआउट पहले ही ला दिया हूं, मैं आपको ये चाहिए तो इसकी कॉपियां दे दूंगा, ये सब दे दूंगा, मैंने लाइब्रेरी की जगह आपको खुलकर बता दी है कि लाइब्रेरी का 7-12 महीने मेरे घर का नहीं है, ये जो यानी मैप है टीएमसी थाने का मैप है, ये 7-12 ये 4 महीना पहले निकाला हुआ है, ये मेरे घर का 7-12 नहीं है, ये लाइब्रेरी की जगह पे ही ये आज से 8 साल पहले लिया हुआ फोटो है, ये लिसान अंसारी ने जाकर के वहां पर फोटो लिए थे हमारी टीम के, ये 8 साल पहले लिया हुआ फोटो है जहां पर टीएमसी ने बोर्ड मारी थी, जो बोर्ड वहां से उखाड़ के फेंक दिया गया है, वहां पर हट बना करके कंपनी, ये आप देख रहे होंगे ये जो भी है। और इसके बाद मैं अगर मैं बोल रहा हूं तो आप बताए ना, मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, आज ये कितनी जगह पे कितने घंटे पे लाइब्रेरी दे रहे, ये जितेंद्र अवार्ड का वीडियो देखिए, ये 2019 का
साल में 5,000 स्क्वायर फीट की, जहाँ पे 300 बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे एक 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 टेबल पे, ऐसी लाइब्रेरी आने वाले एक हाथ दो साल में बन जाएगी। बिफोर नगर सेवक इलेक्शन वो लाइब्रेरी बन जाएगी। अब बताओ मैं झूठा हूँ? देखो अभी ये मित्तल में जो है ना, वी विल हैव अ लॉट ऑफ प्लॉट्स, वो ये 24 एकड़ 26 एकड़ की बात हो रही है, ये सुनिए, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। बाहुबली पुलिस स्टेशन के सामने। So this will be the major projects which I will be targeting before Nagar Seva ke liye. Before Nagar, एक भी चीज इसमें से अगर एक भी चीज का काम शुरू हुआ होगा ना तो आप मुझे बताएं, तो झूठा कौन है? जनता देखे, मैंने तो उनके मैनोफेस्टो सामने लाके रख दिया, मैंने दो दो जगह पर उनके मैं। अभी ये बताइए कि जिस तरह से आप ये सब खुलासा कर रहे हैं कि वहां पर अवैध तरीके से कब्जा हो गया है और पत्रे मार दिए गए, बनाया जा रहा है, तो उसे आखिर आप लोगों के तरफ से रोकने की ऐसी कोशिश क्यों नहीं होती कि इसे जाकर रोकवा दिया जाए? देखिए मेरी बात सुनो ना, सैफ पठान चढ़ी पार क्यों हुआ? ये सब रोकने की कोशिशों में हुआ ना, मैं इसके लिए तो घड़ी घड़ी अब मैं अपील क्यों करता हूँ कि आप लोग इस बार नगर सेवक बदले हम लोगों को मौका दीजिए, ताकि हम हाउस में चिल्ला करके सब चीजों को रोके, हम टीएमसी ऑफिसरों की आंखों में आके डाल के वहां बोल सके कि तुम वो चोरों के साथ मिलकर चोरी नहीं कर सकते, हमारा रिजर्वेशन वापस लाओ, ताकि वो कार्रवाई करके हमारा रिजर्वेशन वापस लावे। कुछ चीजें होती जो अंदर जाके की जा सकती है, मैं क्यों अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से घड़ी घड़ी? नहीं तो ये जो जितना मैंने लेआउट जितना लेआउट मैंने आपको बताया, 26 एकड़ की जगह पे आज पत्रा मारने का काम शुरू हो गया। मेरा ये खोलने का रीजन यही है कि मैं आज बता रहा हूँ, आवाम को बता रहा हूँ, मैं चोर लोग चोरी करने निकल पड़े, अली बाबा 40 चोरों के साथ निकल पड़े, अली बाबा को रोक लो, नहीं तो अली बाबा जाकर के कहीं पे कोई जगह बताएंगे, मैं उसके बदले ये दे रहा हूँ, जरा मत सुनो। ये 40 चोर निकल चुके कि मित्तल नहीं दे रहा है? साहब तो बहुत अच्छा काम करे, डेवलपमेंट किया है साहब ने, पर्सनल जमीन है, ये सब घुमरा करने का काम करेंगे, इनको चप्पल मारो कि तू अगर लाइक का नहीं है, तू अगर रिजर्व हुई प्लॉट को तू नहीं ला सकता, तेरा साहब नहीं ला सकता, तो निकल यहां से। इस बार नए लोग को मौका दो। मैं आपको बताऊं कि आप देखो आज मेरे यानी बोलने के बाद मेरे एस्केलेटर्स के खुलासे के बाद, एस्केलेटर लगना शुरू हो गया ना मेरी भूख हड़ताल के बाद, कितना उसके फाइट करने के बाद मैं कचरे के लिए, आप देखिए शहर में वापस आए, हमारे जावेद भाई मेहनत कर रहे थे उनके साथ मिलकर, हम लोगों ने भूख हड़ताल करी, जो कचरा वहां से उठाया गया ना, आप देखिए कि लाइब्रेरी का खुलासा मैंने किया तो भले से झूठा ही सही, आज अगर बता रहे कि हम पाइलिंग चालू कर दिए, हमने ये कर दिया, लाइब्रेरी मिल जाएगी शहर को, क्योंकि ये हमारा खुलासा हमारा काम है। ऐसा अपोजिशन हम जब पोल खोलते हैं इनकी तो घबराहट के कुछ तो दे ही देते, ये जगह हेल्पर करके दे रहे, लेकिन देने की कोशिश करते, हम सही जगह लेंगे लेकिन ये देने की कोशिश करते, उसी तरीके से हमने जगह पे है उस जगह पे ही लेने के लिए आप लोग क्या करें? देखिए मैं आपको खुलासा ही करना एक नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, वो सही जगह पर मिलना भी जो है एक जिम्मेदारी होती है। बाहर ये नेता लोग अधिकारियों से मिल करके ये पूरा खेल खेलते हैं, बिल्डर उस पर फाइनेंस करते हैं, कहीं ना कहीं उनको यानी डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, और हम जब ज्यादा खुलकर ये चीजें बताते हैं आप उसका रिजल्ट देखते हो कि हम लोग घर पे सोए रहते, हम पे केसेस हो जाते, दो केसेस में मैं शायद मुख्तलिफ पूरे पूरे हिंदुस्तान का शायद मैं एक ऐसा बंदा रहूंगा जो दो केस पे तड़ीपार कर दिया गया, आप सोचिए। तो ये सब ये चीजों का रिएक्शन है आपको दिख रहा है, हम इसके लिए फाइट कर रहे करके जेल रहे, अगर आज हम लोग फाइट करना बंद कर दे, आज भी मैंने कितना खुल करके आपको पूरा पूरा लेआउट बताया, मैंने एक एक चीज रिजर्वेशन की बताया, और इंशाल्लाह ताला मैं यानी यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला, ये तो आज मैंने जनता आपके माध्यम से जनता के सामने लाया हूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये सब सारी चीजें लेकर के मैं कलेक्टर साहब, आपको पता होगा कि यानी पिछले 2.5 सालों से हमारे एमएलए साहब मंत्री महोदय थे, इनका पावर एक्सट्रीम लेवल पे था, मैं कोई भी डिपार्टमेंट में लेटर देता था मुझे जवाब नहीं मिलता था, वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, माइती तक का जवाब नहीं दे रहे थे, अब तो अल्लाह ने यानी वो बोलते हैं ना अल्लाह हर जुल्म को खत्म करता है, हर जालिम का यानी पावर छीन लेता है, वैसा कुछ वाकया शहर में चालू इंशाल्लाह ताला। अब मैं लेकर के जो कलेक्टर अभी नए बैठे है, हमारे टीएमसी कमिश्नर बांगर साहब नए आए, मैं सबसे अभी मुलाकात करूंगा, पूरे रिजर्वेशन की वापस से मैं बात करूंगा, मैं यूडी में जाऊंगा, मैं एंटी करप्शन में जाऊंगा, ये सब चीजें लेकर के, और मैं आज तक देखो मैं कोई भी चीज के लिए जिस चीज के लिए आगे बढ़ाऊ आज तक अल्लाह ने मेरे जो चुप नहीं करा है, मैं उसके लिए फाइट कर ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, हमारी फाइट चालू, उसका नतीजा जो ये चोरी करने का अली बाबा के 40 जोर थोड़ा पीछे हो जाते, नहीं तो ये अभी तक तो आप यकीन मानो बन चुके होते, अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे काम नहीं लिया होता, मुझे नहीं खड़ा करो, तो हमारी टीम को नहीं, आज रिक्रिएशन ग्राउंड के लिए आप बताए कि हमारी स्टूडेंट विंग
हमारा वो राशिद कादरी, यानी राशिद कादरी कंटिन्यूसली पैदल मार्च कर रहा हूँ बंदे ने, यहाँ से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक। मैं खुद आने के बाद गवर्नर से मिला जाकर के, मैं आने के बाद वहाँ तलाटी ऑफिस में जाकर के उनको पेपर निकाल के दिया, बेचारे फाइट कर रहे ना 4 साल से, तो कहीं ना कहीं जाकर के अब ग्राउंड की बातें इसके लिए उठ रही, नहीं तो ये तो सब ठंडे बस्ते में डाल चुके, ये तो शहर से हर चीज खा करके ना एंड में शहर को छोड़ देंगे। ये मैं आपको बता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान को यानी गुलाम बनाया, कारोबार किया और हिंदुस्तान को यानी सोने की चिड़िया को गरीब करके चले गए। उसी तरीके से एक दिन ये पूरे रिजर्वेशन बेच देंगे, ये 4 टर्म 5 टर्म कर देंगे, बची हुई जो भी शहर में यानी हमको टीएमसी से मिला उसको प्राइवेट कर देंगे और ये शहर छोड़ के चलेंगे। घर के तो है नहीं हमारे, ये रहते थाना में, इनका क्या जाएगा। और जी ईस्ट इंडिया के साथ जिस तरीके से समझिए, जिन लोगों ने यानी ईस्ट इंडिया की उस टाइम पे गुलामी की थी, लेटर बाय लेटर लिखे थे अंदर से, नेगोशिएट करा था, वैसे हमारे जो सोकोल्ड नेता इनके साथ है वो चुप बैठ जाएंगे, उनका कोई नुकसान, नुकसान आवाम का होगा। तो हम इसके लिए इंशाल्लाह ताला कलेक्टर से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कलेक्टर से मिलूंगा, नए आए हैं, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा। और ये मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं आवाम को यानी बताना चाहता हूँ कि जो अभी 26 एकड़ की जमीन है ये रिजर्वेशन की आखिरी उम्मीद है और ये इलेक्शन आपका आखिरी उम्मीद है। अगर इस बार आप लोगों ने सही डिसीजन नहीं लिया ना, तो पूरा शहर बिक जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी उम्मीद है, अभी भी इनको करने दो, जितने धड़ाटे से इनके कंस्ट्रक्शन चालू है, बाउंड्री वॉल मारने दो, मारने दो। ये आखिरी उम्मीद है, इनको करने दो, जितने धड़ाटे से ये बाउंड्री वॉल मार के रिजर्वेशन की जमीन खाने के लिए जाएंगे, इनको अपने प्रोजेक्ट के फोटोज लगाने दो। अगर आप लोगों ने अभी भी यानी हम लोगों को मौका दिया, हमारे 10-12 लोगों को, इंशाल्लाह ताला हम पूरे रिजर्वेशन वापस शहर में लेकर आएंगे, हम इस शहर के बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड लाएंगे, हम इस शहर के बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी स्कूलें लाएंगे, हम इस शहर में यानी सीनियर सिटीजन के लिए नाना नानी पार्क लाएंगे, जितने रिजर्वेशन प्लॉट्स है हम यहाँ पर, जो हॉस्पिटल मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको एक अलमास का एक हेल्थ सेंटर इनकी मैन्युफैक्चरिंग से बताया कि जहाँ डायलिसिस सेंटर बनना था, कहाँ है वो जमीन, उसके बारे में क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि वो बेच दी जाएगी। इसके लिए वो अपने मैनुफेस्टो में तो इलेक्शन पीरियड में बता देते, अभी पहले उन्हें चूरन लाए, फिर लॉलीपॉप लाए, अभी नया कुछ लेकर आएंगे, हम मैनुफेस्टो नहीं लाएंगे। हम आज भी आपको बता रहे कि जो रिजर्वेशन यूडी से हमको मिला हम वो वापस लाएंगे शहर में। तो आपने सुना कि सैफ पठान जो है उनका साफ कहना है कि जिस तरह से जो रिजर्वेशन जमीन जो आरक्षित मुंब्रा शहर के लिए मिली है, चाहे वो प्ले ग्राउंड हो या फिर लाइब्रेरी हो, इन सभी चीजों को जो मिला है आरक्षित जमीन, वहीं पर वो बनाने के लिए दोबारा जो है ऐसी मांग करेंगे और कलेक्टर से और मनपा कमिश्नर से ये मुलाकात आगे करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुंब्रा शहर में जो आरक्षित जमीन है, क्या वाकई में ये वापस मिल सकती है या नहीं।